राजधानी भोपाल से है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने एक नारा तय कर लिया है और यह नारा है स्वर्णिम सुखदाई। सरकार चलाई नारे के साथ मैदान में अब कांग्रेस उतरने जा रही है। स्वर्णिम सुखदाई सरकार चलाई, 15 महीने के कामकाज को भी मुख्य मुद्दा कांग्रेस बनाएगी। प्रचार अभियान में पार्टी छोड़कर गए नेताओं पर भी आरोप लगाए जाएंगे। कांग्रेस लोगों को यह बताएगी कि वचन पत्र के वादे निभाए गए हैं और जो वादे अधूरे रह गए उन्हें सरकार बनने के बाद पूरा किया जाएगा। वचन पत्र के वादों के लिए दिया नारा, वचन पत्र की सारी बातें निभाई गई हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस बिकाऊ नहीं टिकाऊ का नारा भी दे चुकी है। और कांग्रेस इस अभियान को शुरू करने जा रही है, लेकिन उससे पहले गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर कुछ रिएक्शन दिया है, वो सुनते हैं। उसके बाद हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। टिकाऊ तो भाजपा ही है, ये तो चला ही नहीं पाते, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। हम तो कह रहे हैं, सही कह रही है, टिकाऊ अगर कोई है तो वो भाजपा है। दिल्ली में भी टिकी है और यहाँ भी टिकी है। तो ये वो रिएक्शन था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। उन्होंने कांग्रेस के उस नारे पर कहा कि अगर टिकाऊ की वो बात कर रहे हैं तो टिकाऊ तो फिर बीजेपी है। इस वक्त आशीष अग्रवाल साहब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और योगेश यादव साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। एक बार मैं फिर आप दोनों के पास आना चाहूंगा। योगेश यादव साहब, 15 महीने बहुत ज्यादा भी नहीं होते लेकिन बहुत कम भी नहीं होते, और 15 महीने के भीतर भी जब कांग्रेस अपने वादों को निभा रही थी या निभाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय कई ऐसे वादे थे जो बीजेपी ने लाइमलाइट में लाए थे और कहा था कि कांग्रेस उन पर फैसले लेने में पीछे हट रही है। मिसाल के तौर पर मैं किसान कर्ज माफी की बात करूंगा। दरअसल आपका वो पेंच फंसा कि आपने कहा कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सबके कर्ज माफ, लेकिन जब उसको अमलीजामा पहनाने की बात आई तो कांग्रेस ने कहा कि हम पूरे 5 साल के भीतर तमाम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। अब इन्हीं बातों के जवाब दरअसल आपको उपचुनाव में देना है। देखिए, मैं 15 माह के कार्यकाल पर अपने आप को एक्सक्यूज भी नहीं कहूंगा कि हम ये नहीं कहेंगे कि हमें बहुत ही संक्षिप्त कार्यकाल मिला जी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 15 महीने में भी लोकसभा के इलेक्शन आए, उसकी आचार संहिता लगी, बमुश्किल हमें 9 या 10 माह मिले, और 9 या 10 माह में कांग्रेस की सरकार ने वो प्रतिमान स्थापित किए कि जो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार नहीं कर पाई। हमने उस लुंजपुंज और जिसको डायलिसिस पर पहुंची हुई सरकार को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की और उस कवायद में हम बहुत ज्यादा सफल हुए। मैग्निफिसेंट के आधार पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया, वो एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हो रही थी कि संपूर्ण देश में मध्य प्रदेश राज्य अग्रणी राज्यों में गिना जाने लगा था। बिजली के बिलों पर हमने जिस तरीके से एक कंसिडरेशन किया और बिजली के बिल से जो भारतीय जनता पार्टी के समय में गुंडों का राज हुआ करता था, बिजली के बिलों को हमने माफ किया, उसके बाद आज फिर गुंडागिर्दी शुरू हो गई। ऐसी बहुत सारे मुद्दे, किसानों के कर्ज माफी के संदर्भ में आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास वो दस्तावेज मौजूद है, 20 मार्च के पहले हमने कितने किसानों का कर्ज माफ किया और इसके मामले में निरंतर प्रक्रिया जारी थी। नहीं, यकीनन सरकार ने वो कर्ज माफ किए हैं तो तमाम चीजें कागजों में दर्ज तो होंगी, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। आशीष अग्रवाल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। स्वर्णिम सुखदाई सरकार चलाए, ये नारा है। हालांकि हम गृह मंत्री का कमेंट सुन चुके हैं, लेकिन मैं आपका भी कमेंट सुनना चाहूंगा। सुहेल जी, देखिए, भ्रष्टाचारी और दुखदाई सरकार कांग्रेस ने चलाई और 15 माह में 7.5 करोड़ जनता पूरी त्रस्त हो चुकी थी। कांग्रेस जो झूठ बोल के आई थी कि 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा, वो आज तक जब तक ये सरकार में थे तब तक नहीं कर पाए। एक बेरोजगार को भत्ता नहीं दे पाए, निराश्रितों को पेंशन नहीं दे पाए, हर खेत के आगे फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं दे पाए, और दे पाए तो क्या, भ्रष्टाचार और तबादले का उद्योग तो जनता जानती है। दूसरा विषय जहां तक है कि टिकाऊ चाहिए बिकाऊ नहीं चाहिए, तो ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता को तो सही में टिकाऊ चाहिए। 15 साल तक उन्होंने टिकाऊ सरकार ही दी और बिकाऊ पूरा देश जान चुका है कि 90 लाख रुपए चंदा किसने लिया था चीन से, तो निश्चित है कि किसके नेता दोनों के दोनों जमानत पे रिहा है, माँ बेटे, वो पूरा देश जानता है। तो बिकाऊ कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता है, और टिकाऊ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये पूरा देश समझ चुका है। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उपचुनाव जो है मध्य प्रदेश में ज्यादा दूर नहीं है, अगर जनता इन तमाम चीजों को देखती है सुनती है तो फिर फैसला भी करेगी। इससे पहले भी हमने देखा 3 टर्म बीजेपी ने पूरे किए, 15 साल सरकार चलाई और उसके बाद तख्ता पलट भी हुआ, कांग्रेस आई,
हालांकि 15-18 महीने सरकार चली और फिर अब दोबारा बीजेपी सत्ता में है। दोनों दल ये दावे ठोक रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि वो सत्ता में बरकरार रहेगी, ज्यादातर सीटें जीतेंगे और कार्यकाल पूरा करेंगे। वहीं कांग्रेस का अपना दावा है, उनका कहना है कि जो काम हमने इस 15 महीने के भीतर किए, 18 महीने के भीतर किए, वो काम उतने समय के लिहाज से काफ़ी थे। जनता ने उनके तमाम कामों को सराहा है और उन्हीं कामों को लेकर वो जनता के बीच भी जाएंगे, वोट मांगेंगे। अब आखिरी फैसला जनता को करना है, वोटर को करना है, किसके काम उसे पसंद आए और किसे वोट देती है। ये जब उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे तब तस्वीर साफ होगी। बहरहाल आशीष अग्रवाल साहब आपका और योगेश यादव साहब आप दोनों का बंसल न्यूज़ से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।